वाराणसी में दिशा कॉन्वेंट स्कूल एवं यूएसएस फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में आशा एएनएम तथा समाज सेवियों को कोरोना वॉरियर्स के सम्मान से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर विपुल नारायण सिंह उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर आरती भारद्वाज ने आशा बहनों व समाज सेवियों का मनोबल बढ़ाया और कहा कि आप सभी अच्छे कार्यों के लिए जानी जाती रहेंगी। आपके द्वारा समाज के जरूरतमंद व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ मिल पाता है, यह बड़ा ही सराहनीय कार्य है। देखिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश पटेल की रिपोर्ट। की करती है, लगी रहती है, इस सब के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। मैं यही कहूंगी कि आप अपना वर्क ऐसे ही करते रहे, क्योंकि देखिए सैनिक तो बॉर्डर पे हमारे जीवन की रक्षा करते हैं और आप सब यहाँ रह के हमारे जीवन की हमारा जीवन बचा के करते हैं। इसके लिए एक बार जोरदार तालियां आप लोगों के लिए होने हमेशा अवेलेबल, क्योंकि जो आप काम साहस सेवा संवेदना और संकल्प का जो परिचय आप दे रहे हैं वो किसी और के बस की बात नहीं। अपने परिवार से लड़के भी कितनी महिलाएं, हमें पता है महिला में एक अच्छा गुण होता है कि वो कभी भी अपने परिवार की बात को बाहर नहीं ले जाता है, लेकिन जब आप उस दौर में कोरोना काल में जहां पिता बेटे और माता नहीं पहचान रहे थे, उस वक्त आप लोगों ने जुड़ा उठा के अपने जीवन को गांव पे रख के जो काम किया है वो काम सुनने में बहुत आसान लगता है लेकिन करने में बहुत कठिन है। उस कठिनाई को आप लोगों ने जो झेला है उसके लिए दिल से सलाम और उम्मीद करते हैं कि आप अपना जो है कार्य वो करती रहेंगी और जो हमसे सहयोग बन पड़ेगा उसके लिए आप जरूर मेरे पास आइए और हम आपके पास आके कुछ सीखेंगे, क्योंकि सेवा भाव ने कहा जिसमें सेवा का भाव है इसका मतलब वो ईश्वर के सबसे ज्यादा करीब है और भगवान सबको ये मौका नहीं देता। आप लोग के पिछले जन्म के कर्म होंगे जो भगवान ने आपको इस सेवा में उतारा और उस सेवा को जिस हिसाब से आप लोग कर रहे हैं उसके लिए फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।